हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसूर और पालक का स्वादिष्ट दाल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब तो जरूर किया है, लेकिन वीडियो को अभी तक पूरा नहीं देखा है, तो प्लीज वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखें और शेयर भी करें। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने पालक को अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद इसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, ये देखिए। और मैंने यहाँ पर 1 कप मसूर का दाल लिया है, तो दाल को भी मैं अच्छे से धो लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है और मैं इसे कुकर में डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ कुकर में इसे डाल लिया है। इसमें मैं डालूँगी 2 गिलास पानी। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ पालक। और इसमें मैं डालूँगी 8-10 लहसुन का कली। इससे इसका टेस्ट है जो दाल का बहुत ही अच्छा आता है, तो ये आप ज़रूर डालें इसमें। अगर आप ऐसे नहीं डालना चाहते तो लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला और 1 स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाला। मैंने यहाँ कुकर का ढक्कन लगा दिया और 2 सीटी आने के बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर 2 सीटी आ गया है, तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कुकर का ढक्कन है जो ठंडा हो गया है, तो मैं इसे खोल लेती हूँ। ये देखिए दाल है जो हमारा पक गया है। तो इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। जो लहसुन जो खड़ा खड़ा मैंने डाला है वो अच्छे से मिलाने से इसमें घुल जाता है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। तो इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल को एक बाउल में निकाल लिया है, ये देखिए। तब मैं इसे दाल को छौंक लेती हूँ। तो छौंकने के लिए मैंने यहाँ पर तड़का पैन रखा है और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला, थोड़ा सा मैंने यहाँ जीरा डाला है और बारीक टुकड़ों में काट कर मैंने लहसुन को डाला है, 2 मैंने लाल मिर्च डाला है और थोड़ा सा मैं इसमें हींग डालूँगी। इसमें हींग और बारीक टुकड़ों में लहसुन को ज़रूर काट के डालिएगा, इससे इस दाल का स्वाद है जो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो ये आप ज़रूर इसमें डालें। छौंका हमारा रेडी हो गया है, तो मैं इस पर डाल देती हूँ। तो इसे आप गरम गरम चावल के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। अगर आपने मसूर पालक का इस तरह से दाल नहीं बनाया है तो एक बार मेरे तरीके से आप बना कर देखें। हर बार आप इसी तरह से दाल बनाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।